नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत आज कार्यालय नगर परिषद राहतगढ़ सभा कक्ष में सफाई मित्रों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को LED के माध्यम से स्वच्छता पर बने वीडियो दिखाए गए। मुख्य नगरपालिका अधिकारी भुल्ला सिंह चौहान द्वारा कहा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 गाइडलाइन अनुसार हम सभी को कार्य करना है। आप सभी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में निकाय का प्रदेश में 25वां स्थान रहा, लेकिन इस वर्ष हम लोगों को पहले स्थान पर आना है। जो भी अच्छा कार्य करेगा हम उसे सम्मानित करेंगे एवं पुरस्कार देंगे। उपयंत्री मयूरी श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि आप सभी को अपने कार्य के साथ साथ लोगों को भी वार्ड में जागरूक करना है और बताना है कि अब 2 नहीं 3 कचरे के डस्टबिन रखें। एक डस्टबिन में गीला कचरा, दूसरे डस्टबिन में सूखा कचरा और तीसरे डस्टबिन में घरेलू हानिकारक कचरा रखना है और अलग अलग ही कचरा गाड़ी में डालना है। जो लोग भी बाहर कचरा फेंकते हैं या नालियों में डालते हैं, आप उन लोगों के नाम बताएं। निकाय द्वारा उन पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। सागर राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। नंबर और ये 2020 में अपन 25वीं रैंक पे आए हैं। हालांकि 25वीं रैंक भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन पिछले साल से मतलब 2020 में अपन ऊपर नहीं गए, नीचे आए हैं। 6 से 25 पे आए हैं और इस बार मैं चाहता हूं कि हम 25 से 5 पे या 4 नंबर पे जाए, ठीक है। और वो जब तक आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो देखेंगी घर घर जाकर के, गली गली जाकर के कि आपकी सफाई कैसी है, उसके अपने को नंबर मिलते हैं। और फिर लोगों से वो पूछेंगे कि आपकी सफाई कैसी है, वो अगर अच्छे नंबर अपने को देंगे तो अपन अपने जो रैंक है वो ऊपर जाएगी, नहीं तो अपन नीचे जा जाएंगे। अच्छा, पिछली बार भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बाद में पता चला जब ये हमने आंकड़े देखे, ब्लैक जो ब्लेड होती है और जो दवाइयों के पाउच वगैरह होते हैं और जो सैनिटरी पैड वगैरह होते हैं, वो सब जो होते हैं वो घरेलू हानिकारक अवशेष में आते हैं। तो उसको आप जो थर्ड डस्टबिन है, 3 तरह के डस्टबिन है अपने, उसमें कलेक्ट करके रखना है। और यही ज्यादातर ज्यादा लोगों को आपको बताना है कि जो कचरा है वो 3 तरह के डस्टबिन में आप लोग कलेक्ट करके रखिए।